बिहार में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के पहले सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दल बड़े खेला का दावा कर रहे हैं, तो जेडीयू, बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा और राम मांझी की पार्टी का कहना है कि आरजेडी के कई विधायक उन लोगों के संपर्क में हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव के शामिल होने की भी संभावना है। इस अवसर पर भोज भात का भी आयोजन किया जा रहा है। आरजेडी ने सभी एमएलए को 2 दिनों तक पटना में रहने का खाका तैयार कर लिया है। नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट में एक और जहां एनडीए अपना बहुमत साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन के आरजेडी और कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार और बीजेपी को फेल करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। सभी दल अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। बीजेपी ने बोधगया में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रख दिया है। जेडीयू अपने विधायकों को 2 दिनों तक मीटिंग और भोज में एंगेज रख रही है। 10 फरवरी को मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन किया गया है। इस बीच 10 फरवरी को तेजस्वी के घर पर विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। अगले 2 दिनों तक सभी विधायक पटना में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि 3 दिन के बाद ये बैठक शुरू होगी, जिसमें आने वाले नेताओं के लिए स्वादिष्ट भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। लालू यादव भी विधायकों की बैठक को संबोधित करेंगे और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी की रणनीति पर प्रशिक्षण देंगे। दरअसल सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों खेमा एक दूसरे पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही अपने विधायकों को लेकर भी दोनों खेमा सतर्क है। सबसे ज्यादा आशंका कांग्रेस में है, जिसके 19 विधायक है। हालांकि टूटने के लिए 13 विधायकों की जरूरत है। इधर जेडीयू के 17 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि संपर्क से बाहर है। तेजस्वी यादव और उनके नेता शक्ति सिंह और भाई वीरेंद्र ने पहले ही दावा किया था कि 12 तारीख को बड़ा खेल होगा। जेडीयू इसे लेकर सतर्क है। प्रवक्ता नीरज ने 9 फरवरी को दावा किया कि अंतरात्मा की आवाज पर महागठबंधन के कई विधायक नीतीश कुमार के साथ फ्लोर टेस्ट के दौरान दिखेंगे। कुल मिलाकर नीतीश सरकार के बहुमत साबित होने से पहले बिहार में सियासत जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।